हाँ दोस्तों, देखिए ये मार्केट है और बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पे घर की चीज़ें, सारी जरूरतों की चीज़ें जो है यहाँ पे उपलब्ध है, कपड़े से लेकर राशन तक। और ये मंदिर है, बहुत बड़ा गेट है, ये 30 फुट का रोड है, चौड़ा रोड है ये, और सामने हाईवे रोड है सर। सो गाइस, रीजन साफ साफ और दिख रहा है सामने कि आप देखो दोस्तों, इंडस्ट्री एरिया, तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है दोस्तों, और एक नहीं मिलने वाली है आपको। सामने एक ये साइड है हमारी, ये रास्ता सीधा गया है, और इधर जो है ये देहरादून के लिए, और इधर शाहदरा होके पुरान दिल्ली चले जाइए ISBT, और ये आपका जो है यमुना एक्सप्रेस में मिला देता है। ये पट्टी के लिए रास्ता गया है यहाँ से, ये बगल में थाना है, और यहाँ पे मेट्रो हाईवा दोनों का एक साथ काम चल रहा है बहुत जोर शोर से। दोस्तों ये देखिए, हमारी साइड के लिए रास्ता है, ये 30 फुट का रास्ता है, बहुत चौड़ा रास्ता है। सामने हाईवा रोड है, यहाँ से मात्र जो है 500 मीटर की दूरी पर सर हमारी साइड है, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी है हमारी साइड। और ये मंदिर देखिए कितना बड़ा है, ये मार्केट है सर, ये बगल में ही स्कूल है सर, और ये मार्केट है, यहाँ हर चीज़ों की जो है सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग बाग भी आ रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी लेने हैं, तो हमारे साथ जो है एक सर आए हुए हैं। तो हेलो सर, क्या हाल चाल है जी आपके? बढ़िया हाल है जी। तो सर आप कहाँ से आए हो? मुरादाबाद से आया हूँ जी। मुरादाबाद से, तो आज ही आए हो आप? हाँ आज ही आया हूँ। अच्छा, तो सर आपको ये साइट जो है कैसी लगी? साइट तो अच्छी है। अच्छा, तो आपने देखा तो अच्छी लगी आपको? हाँ अच्छी है साइट। तो आपने हमारी वीडियो देखी थी सर? हाँ, वीडियो देख के आए हो? तो देख लो दोस्तों, काफी दूर दूर से लोग बाग आ रहे हो, सर तो अभी बैग ही लेके आए हैं, और सर को देखो दोस्तों, काफी अच्छी साइट लगी। क्या देख रहे हो आप सभी, भाई आपका लेके आ चुका नई प्रॉपर्टी, और एक फिर से ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे की बसावट दोस्तों, जहां तक नजरें जाएगी ना बसावट दिखेगा। साइड में देख लो, काफी सारे लोग, लोअर फैमिली से लेके अपर और मिडिल फैमिली, हर तरह के लोग बाग जो है यहां आकर के रह रहे हैं। सो गाइस, रीजन साफ साफ और दिख रहा है सामने कि आप देखो दोस्तों, इंडस्ट्री एरिया, तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है दोस्तों, और एक नहीं, यहाँ पे 200 से भी ज्यादा कंपनियां हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको लेके आ चुका हूँ ट्रोनिका सिटी। जी हाँ, बहुत ही हाईलाइट मामला, आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली के इतनी पास और ऐसी जमीन सिर्फ आपको ट्रोनिका सिटी में मिलता है। और अगली जो खास चीज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप इंटरेक्ट होंगे, वो है कि दोस्तों रोड भी जो है यहाँ पे कच्ची नहीं दोस्तों, यहाँ पे ईंटें बिछी हुई टाइल की रोडें होने वाली है, और साथ ही साथ देखो दोस्तों, काफी सारी जो घरें बन रही है, इधर की तरफ आप देखोगे दोस्तों, घरें कंटिन्यूअसली जो यहाँ पे बन रही है। तो ये रीजन है आपके वीडियो जो कि आपके लिए होने वाली खास। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप यहाँ पे आएंगे, क्या फैसिलिटी है, और कैसे दोस्तों यहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, चाहे आप कहीं से भी हो, कन्याकुमारी, काश्मीर, या हो आप दोस्तों यहाँ पे मणिपुर, त्रिपुरा, कहीं के भी हो यार, आओ और जमीन लेके जाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ जो इकबाल सर है, तो हेलो सर, क्या हाल चाल है जी? ठीक है सर। हाँ तो सर, सबसे पहले जो भी व्यूअर आपको इस वीडियो में देख रहे हैं, उनको अपनी कंपनी का नाम बताया कि आपके कंपनी का क्या नाम है। जी, मेरी कंपनी का नाम है ख्वाजा प्रॉपर्टी के नाम से सर। अच्छा सर, ख्वाजा प्रॉपर्टी के नाम से। जी सर, जी। तो सर आपका जो ख्वाजा प्रॉपर्टी जो है, कितने साल से जो यहाँ पे प्लॉटिंग कर रही है आप? सर 85 से। 85 से जो है, मतलब कि दोस्तों देखो, इतनी पुरानी कंपनी, मतलब एक ट्रस्टेड कंपनी जो कि दोस्तों 85 से जो आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर के यहाँ पे कंटिन्यूअसली आ रही है। तो सर यहाँ बात करें जो आज की हमारी जो लोकेशन होने वाली है प्रॉपर्टी की, वो किस जगह एक्यूरेट होने वाली है आज की हमारी लोकेशन? सर ये टोनिका सिटी इंडस्ट्री एरिया का नाम से अनिका गार्डन नाम है कॉलोनी का। ओके सर जी। और ये दौलत नगर है, सामने मार्केट जो है दौलत नगर कहते हैं इसको। अच्छा, जो पास का जो मार्केट दौलत नगर की है, और ये अनिका गार्डन के नाम से कॉलोनी है, ये भी दौलत ही नगर है, लेकिन हमने अपनी कॉलोनी का नाम पास करवा के अनिका गार्डन रखा है। अनिका गार्डन मतलब कॉलोनी हमारी पास है गवर्नमेंट। जी सर, जी सर। तो दोस्तों ऑथराइज कॉलोनी जो की गवर्नमेंट से पास है, पास में मार्केट है जी। तो दोस्तों अगर बात करें सर, यहाँ पे जो है, अगर हमारी साइड पे जी कोई भी अगर आना चाहता है जी, तो कैसे आ सकता है आपके साइड को, अगर विजिट करना चाहे, देखना चाहे तो? जी जी जी, इंडिया के किसी कोने से भी बंदा आ रहा है हमारे पास, हाँ जी सर, तो हम उसको एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से, दिल्ली किसी कोने में भी आप खड़े होकर आप हमें कॉल करें, हमारी गाड़ी रिसीव करेगी। अच्छा, मतलब कि गाड़ी फैसिलिटी यहाँ पे दिया जा रहा है, गाड़ी की सुविधा है सर। तो दोस्तों देख पा रहे हो, इतनी सारी जो है सुविधाएं कंपनी आपको मुहैया करा रही है, रीजन दोस्तों आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो सर यहाँ बात करते हैं, जैसा कि आपने चीजें बताई, तो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे रहता है तो कुछ चीजों की जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। यहाँ से स्कूल और जो है यहाँ हॉस्पिटल कितनी दूरी पे होने वाली है? सर मात्र 50 मीटर की दूरी पे मस्जिद, मदरसे, स्कूल, चर्च
और गुरुद्वारा सब है यहाँ पे सर। अच्छा, और पीछे इंटर कॉलेज है सर, मतलब यहाँ पे डिग्री कॉलेज तक है यहाँ पे। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक है यहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, मतलब सारी चीजें होने वाली है यहाँ पे, सारी चीजें होने वाली है। मेट्रो स्टेशन का कार्य प्रगति पर है, रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है सर। अच्छा, तो रेलवे स्टेशन यहाँ पास में कौन सा होने वाला सर? खरखड़ी नाम है, जो सहारनपुर से चलकर और शाहदरा होकर पुरानी दिल्ली टच है। अच्छा जी, और सर जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन का भी काम चल रहा है जी, तो दोस्तों यहाँ पे देखो काफी ज्यादा मतलब विकास होने वाली है, तो काफी सारी चीजें दोस्तों आपको पास में मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों जब आएंगे चीजें तो शायद अपनी आंखों से देख पाएंगे, बट जो हम बताते दोस्तों उससे जो है काफी अलग इफेक्ट पड़ेगा जब आप सामने देखेंगे। तो सर ये तो बात रही हमारी आसपास की लोकेलिटी की जी, तो अगर बात करें दिल्ली से जी, अगर कोई जैसे हमारे व्यूअर जो दिल्ली से आते हैं या फिर बात करें दिल्ली एनसीआर से, हमारी साइड की दूरी कितनी होने वाली है? मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है दिल्ली एनसीआर में ये जगह है सर। ओके जी, यहाँ से करावल नगर और आपका बॉर्डर जो है 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है जी, और शिव बिहार मेट्रो स्टेशन भी 3.5 किलोमीटर है यहाँ से मात्र। अच्छा, सब्जी मंडी वगैरह बहुत बड़ी है यहाँ पे, जो लाल बाग के नाम से मशहूर है, लोनी के अंदर, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे। क्या बात है दोस्तों जी, देखो 3 किलोमीटर की दूरी है, तो दोस्तों 3 किलोमीटर कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आप जो अगर सर बात करें यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन कितनी दूर होगी, अगर मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है अभी इस वक्त, जो शिव विहार के नाम से है, दिल्ली के अंदर है वो। अच्छा, शिव विहार मेट्रो स्टेशन 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और सीधा रोड जो है शाहदरे को निकल, यहाँ से शाहदरा, सहारनपुर, देहरादून, कहीं भी आप जा सकते हैं। यहाँ से जो है सामने जो हाईवा जो है सर, वो सीधा जो है यमुना एक्सप्रेस को मिला देता है। अच्छा, आगरा और कानपुर चले जाइए आप, कलकत्ते निकल जाइए, मतलब कनेक्टिविटी काफी बढ़िया होने वाली है जी, यहाँ पे। जी जी जी। तो सर बात करते हैं, आपने बताया कि यहाँ पे चीजें अच्छी है, तो बात करते हैं रोजगार की जी। देखो कोई कहीं रहेगा तो सर नौकरी किए बिना तो देखो कोई भी कहीं नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनेगा तो रोजगार का क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सर यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, सामने देख लीजिए यहाँ पे 200-250 करीब जो है कंपनियां है, बाकी रोड के उस तरफ जो है हजारों कंपनियां है यहाँ पे। अच्छा, मॉल वगैरह सब है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये इंडस्ट्री एरिया पूरा का पूरा, पूरा का पूरा हर चीज की कंपनी है यहाँ पे। तो दोस्तों काफी सारे बंदे शाहदरा तक के यहाँ से 12-12 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दूरी से यहाँ पे लोग आते हैं काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। सुबह में इतनी भीड़ रहती है सर, रोड पार नहीं कर पाते आप, जितनी भीड़ रहती है यहाँ पे। अच्छा, जॉब के टाइम में। तो दोस्तों देख लो इतनी मतलब की सुविधाएं मिल रही है, तो आप बात करते सर, आपने तो चीजें बताई, अब बात करते अपनी साइड की जी, कि अगर बात करें हमारे साइड पे जो सड़कें कितनी चौड़ी होने वाली है सर? हमारी साइड जो है ये 20 फुट का रोड है, एक 15 फुट का रोड है, ये 2 साइड के प्लाट है सर हमारे सारे ये। अच्छा, डबल साइडेड है जी, ये 2 साइड ओपन है ये। तो दोस्तों देख सकते हो सामने की तरफ जो है 2 साइड का जो है प्लॉट आपको मिल रही है, साइड भी दरवाजा खोल लो, इस साइड भी दरवाजा खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिनके घर में दोस्तों 2 भाई है उनके लिए तो मतलब कि इतनी बढ़िया साइड होने वाली है ना, मतलब कभी भी फ्यूचर में आप जो है इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो सर अगर बात करें ये जो डबल साइडेड प्लॉट है तो कितने गज तक का जो है अपने पास मिल जाता सर? हमारे पास में जो 1 साइड है उधर आपको 25-25 गज के प्लॉट है। अच्छा, 2 साइड ओपन है वो 50-50 गज के है, 100 गज 200 जितना चाहो आप ले सकते हो, मतलब 50 गज का भी मिल जाएगा 2 साइड में। जी सर, जी सर, जी सर, और बहुत बढ़िया साइज है, 20-22 का साइज है, 20-22 का, 20 फुट का फ्रंट मिलेगा आपको मत्था, क्या बात है दोस्तों, और 22.5 लंबी मिलेगी, ये 50 गज का साइड है। दोस्तों आपने स्टैंडर्ड देखा है, आपने एनसीआर के अंदर 15x30 का स्टैंडर्ड होता है, बट 20x22 का मिल रहा है, तो दोस्तों ऐसी जो है साइड और ऐसी साइज जो है मे भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि साइज यहाँ पे दोस्तों बहुत अमेजिंग है आप सभी के लिए। तो और अगर बात करें सर, आपने बताया पे रोड, तो अब एक चीज और आती है सर, हमारे बिजली और पानी की व्यवस्था जी, जी। तो उसके लिए जो कंपनी क्या व्यवस्था करके देती है सर? जैसे भी ये मकान तैयार हो रहे हैं हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाने वाले हैं, सामने देख लीजिए सब लाइटें हैं, और यहाँ पे सामने ही से लाइट है, वो सामने खंभा खड़ा है उसमें से लाइट आ रही है, अभी यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर देने वाले हैं। अच्छा, मतलब कि कंपनी जो है बिजली और पानी व्यवस्था करके देगी यहाँ पे? जी, बिजली पानी हमारी तरफ से अभी फिलहाल आप फ्री लो, उसके बाद आप अपना मीटर लगवा लो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम बसावट यहाँ पे हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर रखा जाएगा यहाँ पे, आप अपने उसमें मीटर लगवाइए। क्या बात है दोस्तों। इकबाल सर, जैसा कि आपने बताया सारी चीजों के बारे में, तो बात कर लेते हैं हमारी इस साइज पे, हमारे पास जो है अगर कोई भी हमारे क्लाइंट आकर लेता है तो क्या किस्तों की भी व्यवस्था है यहाँ पे? जी सर, जी सर, हम तो 3 साल का समय दे रहे हैं। अच्छा, और भी ज्यादा दे देंगे, अगर बंदा आएगा मिलेगा हमसे, बैठ के कॉन्टेक्ट करेगा, बात करेंगे, और भी हम समय ज्यादा देते हैं, ऐसी बात नहीं। 3 साल से ऊपर का टाइम यहाँ पे मिल जाएगा? मिल जाएगा, बंदा अगर 3 साल में नहीं कर पाता तो हम और भी ज्यादा उनको टाइम देंगे, टाइम दे देते हैं। तो अब जैसा आपने बताया कि यहाँ पे जो है काफी अच्छी दोस्तों आपके लिए लोकेलिटी मिल रही है, यहाँ पे काफी सारी सुविधाएं मिल रही है,
कि दोस्तों दिल्ली के बिल्कुल पास मिल रहे हैं, तो सर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी यहाँ आता है तो अगर वो अपना घर बनाना चाहता है तो कंपनी घर बनाने में क्या सपोर्ट करती है यहाँ पे? सर हाँ सर, हम मटेरियल भी दे रहे हैं किस्तों पे, आधे पैसे हमें दें, हम मटेरियल सीमेंट रोड़ी बदरपुर ईंट वगैरह सब देंगे किस्तों में। किस्तों में देंगे और खड़े होकर मकान भी बनवा देंगे अगर बंदा कहेगा तो। क्या बात, एक सप्ताह में मकान बना के देंगे। अगर मतलब कोई दूर से है तो खड़े होकर आप मकान बनवा देंगे? मकान बनवा के देंगे उनको। तो दोस्तों एक हफ्ते के अंदर घर आपके तैयार होकर मिल जाएगा जैसे उन्होंने बुकिंग करवाया। अगर कोई मेरे व्यूअर दूर से है जी, मान लो नहीं है इंडिया में, इंडिया से बाहर है जी, वो अगर जमीन लेता है तो क्या उनके लिए भी मकान बना देंगे? जी सर, वो ऑनलाइन हमारे प्लॉट बुक होते हैं सर, सऊदी अरब अच्छा। तक के हमारे पास बंदे जुड़े हुए हैं जो नक्शा देख के और ओके कर देते हैं, हम यहाँ मकान बना के रेडी कर देते हैं सर। अच्छा, फिर वो बंदा अपना जो है आके अपना मकान में रह सकता है। अच्छा, ये भी ऑप्शन है जी। तो दोस्तों देखो ऑप्शन जो आपके पास जो काफी सारे हैं, तो आप बात करते हैं इस साइड पे ऐसी लोकेलिटी के पास हमारे जो रेट जो जमीन के जो क्या रहेगी यहाँ पे? अरे सर, रेट तो हम कर ही लेते हैं सर, जितने भी डीलर यहाँ पे हैं सबसे सस्ता रेट देते हैं हम। अच्छा, और जितने डीलर हैं छोटे मोटे सर जी, उनसे यहाँ से निकले हुए हैं सब डीलर, ये तो बहुत पुराने हैं, 85 से काम चल रहा है हमारा। क्या बात है दोस्तों। तो रेट प्राइस दोस्तों अगर जानना हो तो देखो सामने नंबर है, उस पे जो है दोस्तों आप कांटेक्ट कर लो, डिपेंड करता है कि दोस्तों आप कितना लेना है उसके हिसाब से जो रेट लगा दी जाएगी आपको जी। तो सर आप जो है एक बात और हमारे व्यूअर को बताइए, बात करते हो डॉक्यूमेंट की जी, तो सर यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट का क्या व्यवस्था है, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिलेगा? सर डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे बंदा अगर लेता है 1100 रुपए, 2100, 5100 दे के टोकन कटवाएगा, हम उसको अपनी कंपनी का टोकन देंगे। और प्लस जैसे बंदा अगर 25,000-30,000 बुकिंग करता है यानी कि डाउन पेमेंट जमा करता है, हम उसको कोर्ट से एग्रीमेंट करके देते हैं। और प्लस जो है 50% पे हम उसको पक्की रजिस्ट्री पक्के बैनामे के साथ कोर्ट से देते हैं करके। अच्छा जी, और यहाँ पे एक बात जानना चाहूंगा, जैसे रजिस्ट्री आपने बताया, एक दाखिल खारिज भी होता है, दाखिल खारिज अपने पास? दाखिल खारिज के साथ देते हैं सर। अच्छा, दाखिल खारिज के साथ जी, 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 पूरी सुविधा देते हैं सर। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे दाखिल खारिज के साथ चीजें मिल रही हैं आप, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों अगर बात करें आप सभी जो है यहाँ पे देखना चाहोगे तो अगर आपका कोई रिलेटिव है जब भी आप यहाँ पे आके देख सकते हो, क्योंकि कंपनी दोस्तों आपको सारी की सारी सुविधाएं दे रही है। तो सर इकबाल सर, आपने जो ऑप्शन दिया लोगों को ये काफी बढ़िया है, तो दोस्तों आप इनको सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों करके जाना, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके सर।